दोस्तों एक और यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे निकाला पीएचडी पैट में नामांकन को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट। बताएं पूरी जानकारी के में कैसे अप्लाई करोगे, क्या होगी पूरी प्रक्रिया पीएचडी में नामांकन के लिए इस साल। यहाँ पे बात करें आपके देख पा रहे हो ये 2023 से 2024 के सत्र में। तो जी दोस्तों बात करें यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देख पा रहे हैं यहाँ पे एडमिशन दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाली है पीएचडी प्रोग्राम में एकेडमिक सेशन 23 से 24 के लिए जीआरएफ कैटेगरी के अंदर। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस है ये इनवाइट किया जा रहा है, वो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे अपने फ़ोन से कर सकते हैं अप्लाई। ये वीडियो देखने के बाद वीडियो पूरा देखना। पीएचडी प्रोग्राम्स में सेशन देख पा रहे एकेडमिक सेशन है 23 से 24 में अंडर जीआरएफ कैटेगरी। कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है आपको यहाँ पर 4 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। कैसे क्या बताते हैं आगे देख पा दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स आपको हम बताएंगे आगे, ठीक है वीडियो में। आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर देमसेल्स अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पता रहना चाहिए अप्लाई करने से पहले। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी प्रोग्राम में देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर थ्रू इंट्रेंस एग्जाम के द्वारा होगा 23 से 24, जो कि जिसके लिए बाद में अनाउंस की जाएगी सेपरेटली। तो जी दोस्तों अप्लाई करने से बताते हैं पूरी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देख पा दोस्तों ये डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी ये देख पा रहे हैं डिप्लोमा प्रोफिशिएंसी यहाँ पर। तो बात करें यहाँ पर आपको जो पीएचडी में एडमिशन होगा वो एप्लीकेशन 23 से 24 के लिए सीबीटी बेस्ड इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगा, पैट एग्जाम देना होगा। देख पर पीएचडी पैट का एग्जाम होगा जो कि यहाँ पर 90 कंडक्ट करेगा यहाँ पर, ओके। उससे बात करें यहाँ पर देख पर आपको जो भी कहते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स नॉट अपेयरिंग इन द प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट्स, जो भी स्टूडेंट्स अपेयर नहीं होंगे इस टेस्ट में देख पा रहे उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आपका देख पा रहे इस प्रोग्राम्स में एडमिशन होगा उसके आपके इंट्रेंस टेस्ट में परफॉर्मेंस उसके बेस पे उसके ड्राइवर वाइस होगा, फिर देख उसके बाद दोनों मिला के मेरी लिस्ट तैयार होगा। रिवेशन पॉलिसी गवर्नमेंट इंडिया के अकॉर्डिंग है, सिलेबस इंट्रेंस एग्जाम को अवेलेबल है यहाँ पर वेबसाइट पर अलग से। चलिए एडमिशन लेकर ध्यान दोस्तों यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ओनली दोस्त कैंडिडेट जो कि यहाँ पे मिनिमम एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे करते हैं दोस्तों प्रिस्क्राइब फॉर द एडमिशन वो दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बात करें पीएचडी प्रोग्राम्स में यहाँ पर और जो भी क्वालिफाइड किए हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप देख पा रहे हो ऑफ CSIR UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट ICMR आयुष DBT एग्जामिनेशन वो एलिजिबल हैं, पे अप्लाई कर सकते हैं सेपरेटली प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर इसी कैटेगरी के अंदर देख पा रहे हो यहाँ पर JRF कैटेगरी के अंदर। ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रखा गया, आपको यहाँ पर CBT का PhD पैट का एडमिशन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। देख पर आपको बस अपेयर होगा इंटरव्यू के लिए और सिलेक्शन दोस्तों आपका होगा यहाँ पर परफॉर्मेंस के बेसिस पे, जैसा परफॉर्मेंस आपको इंटरव्यू में दीजिएगा। आपको यहाँ पर अपेयर होना होगा एग्जामिनेशन कैंडिडेट जो कि कैंडिडेट्स अपेयर होंगे एग्जाम में बट रिजल्ट अवेटेड जिनका वन लो रिजल्ट अवेटिंग में रिजल्ट है मे ऑल्सो अप्लाई। तो देख पर यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो भी PG के लास्ट सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट आने वाला है। ध्यान रखिए यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट्स हुए बिन अवार्डेड चुके अवार्ड किए हैं लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विदाउट JRF के बिना CSIR UGC एग्जामिनेशन और यहाँ फेलोशिप है जैसे कि बात करें NFSC है ये देख पा रहे हो। PhD में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, जो भी कैंडिडेट्स के पास मान लो 1 ईयर का है ये 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, आफ्टर 4 ईयर का के बाद 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम और 2 साल या 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम या 3 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम देख पा रहे हो क्वालिफिकेशन यहाँ पे। तो दोस्तों अगर बराबर यहाँ पर मास्टर डिग्री से देख पा रहे हो यहाँ पर कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। रिजर्वेशन दिया जाएगा 5% रिजर्व कास्ट कैटेगरी को ST SC OBC को। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कंप्लीट किया है MPhil प्रोग्राम देख पा रहे 50% मार्क्स के साथ दोस्तों यहाँ पर वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं PhD में अप्लाई करने के लिए। अब बात करें फुल टाइम या पार्ट टाइम PhD होगा तो देख पा दोस्तों यहाँ पर जो फुल टाइम दोस्तों कोर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई अब हो रहा है फिलहाल, पार्ट टाइम तो नहीं। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीडियर समझो दोस्तों, कैंडिडेट जो भी PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं आपको पता है कि PhD पैट का एग्जाम देना होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 50% रखा गया है टोटल और SC ST OBC के लिए 45%। फिर इसके बाद दोस्तों देख पा रहे यहाँ पर आपका होगा शॉर्टलिस्ट होगा वाइवा फिर होगा। जनरल कैटेगरी को यहाँ पर देख पा रहे इनटेक इनटू 5 टाइम्स और SST को 8 टाइम्स और VW को देख पा रहे हो वेरिएबल जहाँ पर अवेलेबल होगा तभी। सिलेबस इंटरेस्ट का दोस्तों यहाँ पर टू अ PhD प्रोग्राम के लिए उसमें 50% रिसर्च पैथोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे, 50% आपको जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उससे रहेगा। फिर JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को यहाँ पर ये CBT पैट एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं है, आपका रेट यहाँ पर वाइवा वाइस होने वाला है। और उस बात करिए कुछ एडमिशन लेने के देख पाओ टर्म्स कंडीशन है JRF होल्डर्स के लिए ओनली दोस्त कैंडिडेट जो कि फिलफिल करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जैसे कि PhD प्रोग्राम के लिए दिया गया यहाँ पर और जो क्वालिफाइड है JRF USCSR UGC नेट तो एलिजिबल है दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनको अलग से अप्लाई करना होगा यहाँ पर, उनको सिर्फ बस वाइवा सिर्फ देना है।
दोस्तों बात करें यहाँ पर पीएचडी देख पा रहे हैं यहाँ पे पार्ट टाइम। जी दोस्तों यहाँ पे फुल टाइम ही नहीं, आप पार्ट टाइम में भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए पीएचडी पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, इसके लिए मांगा जा रहा है। देख पा रहे बस एनओसी आपको यहाँ पे करा के लाना होगा अपने जहाँ से करते हैं, स्कूल एंड द प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनल स्टडीज़। अब बात करते हैं पीएचडी किस किस प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ स्टडीज़ एंड फील्ड ऑफ स्टडी, सेंटर ऑफ कनाडियन यूएस लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ में भी कर सकते हैं। देख पा रहे सही दोस्तों पीएचडी आप कर सकते हैं। बहुत सभी देखो सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर भरा हुआ है पूरा, इन सही में कर सकते हैं। अब पीएचडी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए, तो देखो अगर आपको स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में करना है तो सब्जेक्ट कोड ये आपका होगा, सब्जेक्ट नंबर ये है। एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर देख पा रहे हो पीएचडी के लिए मास्टर डिग्री कम से कम ह्यूमन राइट में अगर किए हों, अगर आपको ये कोर्स करना है, और एड सब्जेक्ट में लॉ हिस्ट्री सोशोलॉजी ये सब होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, फिर तो 2 साल कैम फील्ड डिग्री भी चल जाएगा। इसी प्रकार पूरा ये देख पा रहे हो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इसे देख सकते हैं, हम डाल देंगे हमें टेलीग्राम चैनल पर, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और बात कर देख पा रहे हो यहाँ पे पीएचडी कर सकते हो आप लैंग्वेज लिटरेचर कल्चर स्टडीज़ के विषय में भी। देखो ये सभी दोस्तों यहाँ पे विषय भी है करने के लिए पीएचडी, हिंदी उर्दू हिंदी इंग्लिश रशियन स्पैनिश, जिस कोर्सेज का भी अलग से दोस्तों देख पा रहे क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, मैंने टेलीग्राम से पटाल दिया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ अच्छे से देख के इसे पढ़ सकते हैं। अब अगला कैटेगरी स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट आ गया। देखो दोस्तों पीएचडी लाइफ साइंस से कर सकते हो, यहाँ पर देख पा रहे हो। अब अगला है पीएचडी आप कर सकते हो स्कूल ऑफ सोशल साइंस से, तो ये सभी सोशल साइंस में सब्जेक्ट आते हैं, इन सभी सब्जेक्ट आप यहाँ पे पीएचडी भी कर सकते हो, एडमिशन स्टार्ट है, आपको लिस्ट यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहे हैं दोस्तों, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहा है। बस ज़्यादातर देखिए पीजी मांगा जा रहा है, पीजी होना चाहिए यहाँ पर, बात करें 55% मार्क्स के साथ। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, जिसमें दोस्तों ये सभी यहाँ पे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आ गए। वही दोस्तों अगला हो गया देख पा रहे कंप्यूटर सिस्टम साइंस, इसमें ये सभी दोस्तों सब्जेक्ट्स आते हैं। देखो तो इन सभी सब्जेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। वही दोस्तों बात करा के देख पा रहे पीएचडी आप कर सकते हो कंप्यूटर सिस्टम साइंस से, देख पा रहे हो ये सभी प्रोग्राम से पीएचडी कर सकते हो, इसका जो क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जा रहा है। वही फिजिकल साइंस भी कर सकते हो पीएचडी, देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ। और दोस्तों आगे बात करें यहाँ पर कंप्यूटेशनल व इंटीग्रेटेड साइंस से भी कर सकते हो, क्रिएटिव साइंस से भी। और ये दोस्तों बात करें यहाँ पर आर्ट्स और एस्थेटिक से भी दोस्तों यहाँ पे कर सकते हो, ये भी करना चाहते हैं पीएचडी। देख पा रहे हो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हो, देख पा रहे हो पीएचडी दोस्तों इन सभी कोर्सेज से देख पा रहे हो, इसका भी अलग से यहाँ पे। और स्कूल ऑफ संस्कृत और इंडिक स्टडी से भी कर सकते हो, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से भी कर सकते हो, देखो उसको यहाँ पर। अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप भी दोस्तों यहाँ पे आप कर सकते हैं। और स्पेशल सेंटर दोस्तों है स्टडी के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी, ये सब जगह है। वही बात करें सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, कृपया दोस्तों यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दोस्तों कोर्स है। वही बात कर आप यहाँ पे डीएसएस सर्च में भी स्पेशल सेंटर दोस्तों से पीएचडी कर सकते हो, बहुत सारे कोर्स है दोस्तों यहाँ पर, नेशनल सिक्योरिटी स्टडी से भी कर सकते हो, सिस्टम्स मशीन से भी कर सकते हो, देख रहे हो। और वही दोस्तों बात करें यहाँ पर फ़ी क्या होगा वो देखो यहाँ पर पूरा बात करें, आपको फ़ी यहाँ पर ट्यूशन फी लगेगा 240 रुपये पीएचडी के लिए, पार्ट टाइम के लिए 120, और स्पोर्ट्स फी लगेगा 16 रुपये 50 पैसा देख पर पार्ट टाइम के लिए फ़ी, इतना लाइब्रेरी फ़ी देख पाओ दोस्तों इतना दोस्तों बहुत कम यहाँ पर फी यहाँ पर लग रहा है। ये देख पाओ दोस्तों आपका टोटल फ़ी है पीएचडी के लिए, देख पा रहे यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको देना है एडमिशन के वक्त, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हो विंटर सेमेस्टर जनवरी, फिर एनुअल फी दोस्तों पे करना होगा आपको यहाँ पर हर एक एकेडमिक ईयर में। और जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं दोस्तों उनके लिए इतना फ़ी लगेगा यूएस डॉलर के हिसाब से। अभी फीस से देखो दोस्तों अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग है, यहाँ पर मैनेजमेंट का देखो फीस स्ट्रक्चर क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स को 50,000 पर सेमेस्टर लगेंगे, फॉरेन को $4,000 पर सेमेस्टर। वही फीस स्ट्रक्चर पीएचडी प्रोग्राम के लिए स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए देखो सभी का अलग अलग है, 11,000 वन टाइम फ़ी 9,500। और सर्टिफिकेट्स तो यहाँ पर आपको लगेंगे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एडमिशन के वक्त, जब वाइवा वाइस दे जाओगे उस वक्त ध्यान दो, यहाँ पर आपको सभी का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल्स 2 पर्सन्स का,
देख पा रहा हूँ, वन ऑफ हुम शुड बी ए फॉर्मर टीचर, कोई हो कैंडिडेट और कम्प्लीटली सही सब्जेक्ट का पेपर्स का जो कि कैंडिडेट लिए हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट, डिग्री, मेंशन, पूरा सीरियल नंबर, कॉपी एटलीस्ट कम से कम एक जो पब्लिश पेपर जो हुआ छपा है किसी कैंडिडेट का, और ब्रीफ वन कॉपी स्टेटिंग द कैंडिडेट्स एरिया ऑफ स्पेशलिटी, किसी में रिसर्च किया है वो सभी, और रिसर्च प्रपोजल दिख पा रहे हो सबमिट करना है कैंडिडेट को बाय वाइस के टाइम, और फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स को रिक्वायर सबमिट करना है सबमिट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पीएचडी प्रोग्राम के लिए। अब सुधा दिया पर डॉक्यूमेंट्स रखा लगेंगे एडमिशन के लिए, आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के टाइम पर इनॉलमेंट फॉर्म दिख पा रहे हो, सेंट्रल लाइब्रेरी एप्लीकेशन फॉर्म 5 चाहिए, यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, 2 सेल स्लिप रजिस्ट्रेशन कॉपी, मेट्रिकुलेशन का, इंटर का देख पा रहे हो यहाँ पर, यूजी का और पीजी का, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, 2 सेट सिर्फ सेट कॉपी रहना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जो कि आपको प्रिंट मिला है, पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री ऑफ दिख पा रहे यू जी का, पी जी का, एस सी एस टी स्टूडेंट है 2 सेल्फ सेट कॉपी चाहिए एस सी एस टी सर्टिफिकेट का, एक बार उसके यहाँ पे, और वही ओ बी सी है तो आपको यहाँ पर ओ बी सी का चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी यहाँ पे चाहिए जो कि वैलिड कम से कम फाइनल से 2022-23 के लिए हो, PW के उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, EW के EW सर्टिफिकेट 2 कॉपी, और मैगनी सर्टिफिकेट उसको ऑरिजिन वहाँ पर जमा कर दिया लिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट्स ने पास किए हैं अब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 2023 तक, तो उनको कम से कम माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है, उस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास किया है, एडमिशन और रजिस्ट्रेशन काम बहुत जरूरी है, कैंडिडेट जो पास किए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 2023 में आर नॉट इन पोजिशन टू सब जो सबमिट नहीं कर पाओगे अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट टाइम के टाइम में, शुड सबमिट द सेम एज देयर फॉर एज पॉसिबल, तो एडमिशन के बाद भी जल्दी से आपको जल्दी जमा करना है, ठीक है, बट नॉट लेटर देन 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप जमा नहीं कर सकते हो, और 2 एंटी डैकिंग एफिडेविट दोस्त यहाँ पे करना होगा, एक साइनर साइन करेगा, अदर आपके पेरेंट और गार्जियन साइन करेंगे, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 10 रुपये का उस वहाँ पर लगेगा उस फॉर्मेट में, और एक पर आपने जो भी स्टडीज परस्यूइंग किया है किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से सबमिट करिएगा पूरा यहाँ पर सर्टिफिकेट कि आप डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट क्या पूरा अपने क्लास किया था सब कुछ, ये सब इंटेन और मार्क्स उसी दोस्त यहाँ पर चलेगा वो भी करा सकते हैं, एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे जो पास किए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम फॉरन यूनिवर्सिटी से वो भी दोस्तों ले सकते हैं, और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर बात करें एम्प्लॉयड कोई नहीं काम कर रहे हैं या एडमिशन पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको रिड्यूस उनको प्रोड्यूस करना होगा लीव सैंक्शन ऑर्डर या रिलीविंग ऑर्डर एट द टाइम ऑफ एडमिशन के दौरान, ठीक है दोस्तों, अपने एम्प्लॉयर से नहीं NOC, अब PhD देख पर एडमिशन हो रहा है ये GRF कैटेगरी के अंडर, यहाँ पर PhD का दोस्तों करने का फ़ी अप्लाई करने का है यहाँ पर 280 रुपया, मैनेजमेंट के लिए 50,000, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए 2,500 और पार्ट टाइम के लिए 219 रुपया, ये से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑरिजिनल जमा कर देने होंगे एडमिशन काउंटर पर, प्रोविजन सर्टिफिकेट जो एग्जाम क्वालिफाई की उसका, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर, एंटी रैकिंग एफिडेविट और डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। यहाँ कुछ नोट पर उसको लिखा है ध्यान दीजिए, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे रजिस्टर करते हैं सिर्फ इन पर्सन तो नो रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट अदर देन इन पर्सन शैल बी एक्सेप्टेड, द कैंडिडेट्स कुछ तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद यहाँ पर साइड होकर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबको ऑरिजिनल्स जो भी अपलोड करोगे सबको वेरीफिकेशन के लिए करके जाना जरूरी है। अब ये देखिए कि इस कोर्स में कितने सीटें हैं, थ्रू इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा PhD में, ये सभी दोस्तों कोर्स डिपार्टमेंट है जिसमें देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर ये सीटें हैं देख पा रहे हो, कास्ट कैटेगरी वाइज तो सीटें यहाँ पर आपको देखने को पूरा मिल जा रही है, आप अच्छे से देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, पेजी देखो थ्रू नेट और JRF वाले तो ये चलेंगे उनके लिए अलग यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है उनका, आप पार्ट टाइम भेज के देखो दोस्तों इसके लिए भी सीट अलग अलग है पूरा देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर, तो बात करें यहाँ पे PhD एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है JNUEE.JNU.AC.IN, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो, तो यहाँ पर देख पा नोटिस भी यहाँ पर कैटेगरी का है दोस्तों, आपको अप्लाई फिलहाल करनी है, आप यहाँ पे थिएटर पे क्लिक करोगे, थिएटर पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस साइड को यहाँ पे डेस्कटॉप साइट यहाँ पे इनेबल कर लो, सो डेस्कटॉप से इनेबल कर लो, क्या होगा डेस्कटॉप की तरह खुलेगा, देख पा दोस्तों यहाँ पर बगल में नोटिस देख पा रहे हो, यहाँ पे नोटिस भी देख सक चेक कर सकते हो यहाँ पर आप,
और आइसर में लिंक मिलता है, राइट इस पर क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। सर्विस के लिए अप्लाई करिए, यहाँ पे आपको राइट से लिंक मिल जाता है, इस लिंक पर दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप इनमें से क्लिक करोगे तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट खुल जाता है एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। देख पर ये एप्लीकेशन फॉर्म में एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे PhD प्रोग्राम में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है फिल करने का, पहले परसेंटेज यहाँ पे डालोगे, परसेंट डिटेल्स डालोगे, परसेंट डिटेल्स पूछा जा रहा है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्या डालोगे डॉक्यूमेंट्स में, मेट्रिक का मार्कशीट और फिर इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, PG का मार्कशीट, और भी अगर एग्जाम टेक कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे नेट पैट ठीक है गेट UGC नेट ये सब जो क्वालिफाई किए हैं इसका लगाओगे, डॉक्यूमेंट्स का अपलोड यहाँ पे कर दोगे, फिर प्रोफेशन वेजेस कुछ भी है वो डालेगा, फिर आपको पेमेंट कर देती है। तो इसे इस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, पेमेंट यहाँ पे कर देनी है। और देखो जैसे उसके दोस्तों फॉर्म अच्छे से फिल कर लीजिए, पर्सनलिटी डाल के फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालेंगे, प्रोफेशनल डिटेल्स डालेंगे, फिर डॉक स्कैन इमेज दोस्तों फोटोग्राफ जो भी रखेंगे आप सिग्नेचर, ये इमेज रहना चाहिए JPG फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट चलेगा, साइज़ फोटो का इमेज का 10 से 200 KB तक बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ देख पा रहे 4 से 30 KB के बीच। फिर आपको पेमेंट करनी, ऑनलाइन पेमेंट बोर्ड से पेमेंट करोगे, यहाँ पे उसको क्लिक करिए न्यू रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे ऑप्शन पर, यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको देख पा रहे हो कुछ डिटेल्स उसको यहाँ पे पढ़ लीजिए, कितना फी लग रहा है अप्लाई करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। जनरल कैटेगरी EWS वाले को लगेगा 700 रुपये फर्स्ट चॉइस के लिए, SC ST वाले को 500, BPL को 200, फॉरन 3,280 रुपया, और अगर फॉर टू सब चॉइस अगर चूज करोगे तो 1,000, EWS जनरल वाले को और फॉर थ्री चॉइस चूज करोगे तो 1,200 लगेंगे, GST अलग लगेंगे। आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, आपको जैसे फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करनी है, बात करें यहाँ पे फोटोग्राफ यहाँ पे 10 से 200 KB, सिग्नेचर 4 से 30 KB में यहाँ पे अपलोड करनी है, पास ऐप को उसको क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और क्लिक टू प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करें, फिर उसको देख पा रहे यहाँ पर पोर्टल आगे खुल गया, यहाँ पे डिटेल्स मांगा है, डिटेल्स यहाँ पर डाल दीजिए, इस तरह पर डिटेल्स यहाँ पर डाल देना है, मोबाइल नंबर डालिए, एड्रेस डालिए, फिर आके उस सबको रजिस्टर कर लेना है ठीक है। रजिस्टर देखो हो जाएगा तो क्वालिफिकेशन का डिटेल्स डालिएगा, फिर प्रोफेशनल डिटेल्स, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। तो ये थी बात करें दोस्तों PhD एडमिशन लिखो बहुत और अपडेट, किन को डाउट हो कमेंट कर देना, वीडियो पसंद है लाइक करिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।